हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज डेट है 30 अगस्त और आज है जन्माष्टमी। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जा रहे हैं हिसार के कुछ जाने माने मंदिरों में झांकियां देखने के लिए। अभी स्वाति तैयार हो रही है, और लेकिन आज हम अपने साथ लाड्डो को नहीं लेकर जा रहे क्योंकि कल के फंक्शन में वो पूरे दिन जगी हुई थी, तो आज वो पूरे दिन सो रही है। इसलिए हम दोनों ही जाएंगे, और हम बाय टू व्हीलर जा रहे हैं, बाय स्कूटी जा रहे हैं। तो हम आपसे उधर पहुंचने के बाद मिलेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड। तो मिलते हैं सीधा मंदिर पे पहुंचकर। तो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं हिसार के द मोस्ट फेमस मंदिर, देवी भवन मंदिर। और हमारे साथ हैं मेरा एक दोस्त, ये मतलब सबसे जिगरी दोस्त यही है। इसका नाम राघव है, और ये इनकी मैडम, और ये मेरी मैडम। अब बोलो। हाँ, इनको अभी तक पता ही नहीं था कि मेरा ऐसा कोई चैनल भी है। तो चलो, आज आपको फिर मंदिर के दर्शन करवाते हैं। क्यों भाई राघव, ऐसे हो सकता था? बहुत बढ़िया, अति सुंदर। ये हैं हमारे कृष्ण। तो दोस्तों, हमारा देवी भवन मंदिर तो हो गया है पूरा। अब पहनते हैं जूते। चलो भाई, अपने अपने जूते पहन लो। इधर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, और आज मुझे आभास हो रहा था कि अपने जूते तो चोरी हो गए आज। तो चलो, भगवान के घर से जो भी उठ जाए वो चुप होता है, कोई बात नहीं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मंदिर में, और आपसे मिलते हैं उधर। तो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं हिसार के दूसरे मंदिर में, नागोरी गेट मंदिर। और मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। बहुत सुंदर व्यू आया है, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर से। कुछ ही
से वो सजावट की हुई है। गाइस हम घर पर आ गए थे और अभी मम्मी और लाडो साथ चलेंगे हमारे, और हम अपने घर के पास वाले मंदिरों में जा रहे हैं, तो आपको भी हम साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारे मंदिर कैसे सजे हुए हैं। तो गाइस हम मंदिर में आ चुके हैं और अब दिखाते हैं आपको एंट्रेंस। ये हमारी मम्मी दित्या के साथ, दोनों के सेम कलर, इवन हम तीनों के सेम कलर, पिंक पिंक एंड पिंक। बताओ कैसी लग रही है जोड़ी, कमेंट सेक्शन में बताना आप। तो अभी हम ये हमारे शनि महाराज और ये हमारे कृष्ण कन्हैया लाल, जय हो। तो ये मंदिर तो इतना ही था, अब हम चलेंगे नेक्स्ट मंदिर में, वो दिखाते हैं। वो हमारा घर है और ये मंदिर है। तो गाइस अब हम आ गए हैं अपने द मोस्ट दिल के नज़दीक, मतलब मंदिर सारे अच्छे हैं लेकिन जहाँ हम अपनी सेवा प्रदान करते हैं
शिव मंदिर, अब हम उधर आ गए हैं, तो अब हम आपको दिखाते हैं, लेके चलते हैं कि ये मंदिर कैसा सजाया है हमने। ये शुरू में है लाइटिंग्स, ये एंट्री कुछ इस तरीके से है, और उसके बाद है ये जूता सेवा, और ये सारे जो हैं परिजन, ये सारे सेवा कर्मी हैं, ये सारे जूता सेवा दे रहे हैं अपने, और मेरी चप्पल ऑलरेडी मैंने दे दी है इनको, और इनको बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता प्राप्त है इस चीज़ में, कुछ टोकन सिस्टम है इधर। और ये मेरा भाई अपनी सेवा प्रदान कर रहा है इधर, ये नमस्कार। और इधर ये कॉफ़ी सिस्टम है, फ्री ऑफ कॉस्ट आज कॉफ़ी पिलाई जा रही है मंदिर की तरफ से। तो चलिए एंट्री करते हैं, और एंट्री में हम पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड को मुड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में शिव जी का मंदिर है, ये बहुत ही प्यारा दरबार सजाया हुआ है, ये देखिए। चलते हैं अब अंदर, इधर को प्रसाद है, प्रसाद का कवर, और अब हम लोग आते हैं इधर से, एंट्री है। सबसे पहले हैं हमारे कृष्ण जी, हमारे बहुत प्यारे कृष्ण जी और कृष्ण जी का झूला। उसके बाद है हनुमान जी, हनुमान जी के बाद है दुर्गा मैया, दुर्गा मैया के बाद है श्याम प्यारे की जय, हारे के सहारे की। ये काली माता का दरबार से जाया हुआ है, और ये कुछ इस तरीके से रोपिंग की हुई है बैलून की। इधर वाहे गुरु जी, इधर से हमने एंट्री की थी, हमारी सरस्वती माता, और इसके बाद ये अंदर का हॉल तो इतना ही सजावट किया हुआ है, और एक आपको मैं ओवरव्यू भी दे देता हूँ, ये देखिए आप कितना प्यारा मंदिर सजाया हुआ है। इस बार झांकियाँ नहीं लगी किसी भी मंदिर में, सिर्फ एक आध मंदिर में ही झांकियाँ लगी है। और इधर स्टार्टिंग में स्टोर, ये दान पर्ची के लिए सभी मेंबर्स बैठे हैं, और इधर को है हमारा शनि मंदिर, शनि जी का दरबार बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है, और शनि जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, जय शनिदेव। और ये है हमारे शिव जी,
ये हमारे सभी शिव मंदिर के मेंबर्स हैं। तो दोस्तों अभी 12 बजने में कुछ चंद ही मिनट बाकी हैं और मेरी ड्यूटी लगा दी है। पंडित जी अंदर कपड़े वगैरह बदल रहे हैं कृष्ण जी के, और हमारे इधर कुछ ऐसे कीर्तन चल रहा है और काफ़ी अच्छी पब्लिक आई हुई है और सभी दर्शन एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे इधर प्रसाद रखा है, शायद मेरा एक हाथ इधर है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, रुको दिखा देता हूँ। प्रसाद आता है डाल जाता है अपना प्रसाद और इकट्ठा भोग लगेगा 12 बजे, तो उसी का वेट हो रहा है। और इधर बहुत जोरों शोरों से कीर्तन चल रहा है। तो अभी वेट करते हैं 12 बजे का। सेकेंड बाकी हैं और सबसे पहले दर्शन आप सभी सब्सक्राइबर्स को हम करवाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें।
तो दोस्तों हमारे मंदिर में धनिया, मक्खन, फल, फ्रूट, मिठाई, चरणामृत और बच्चों के लिए अलग से टॉफीज़ और उसके अंदर और भी बहुत कुछ चीज़ों का प्रसाद जन्माष्टमी पर बांटा जाता है।